में विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर रेती चौक स्थित कालीबाड़ी मंदिर पर हवन यज्ञ करके मुख्यमंत्री के दीर्घायु की कामना की। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं उसे पूरा करते हैं, वह चाहे राम मंदिर बनने की बात हो या फिर गरीबों को घर देने की बात हो। इसलिए हम सभी उनके जन्मदिन पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह 2028 में प्रधानमंत्री बन जाए। यदि वह प्रधानमंत्री बन गए तो देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा ने कहा, आपने यहाँ पे हवन किया, क्या क्या प्रार्थनाएं की गई, हवन के माध्यम से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, पहले तो हम सभी दर्शकों को जय सीताराम और गुरु गोरक्षनाथ जी का आशीर्वाद पूरे देश की जनता पर बना रहे, इसलिए आज हम लोग जो है गुरु गोरक्षनाथ जी के जो पीठाधीश्वर है और हिंदू हृदय सम्राट परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का 51वां जन्मदिन हम यहाँ पर मना रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर हवन किए हैं, हनुमान चालीसा का पाठ किए हैं और इसी के तहत हम यहाँ पर अभी भंडारे का भी आयोजन होगा। और हम लोग ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, ये भारत ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर एक जाने जाते हैं परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज। और आज जब से उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने मुख्यमंत्री हुए हैं तब से उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है, चाहे ओएमसी हो गोरखपुर का, चाहे रामगढ़ परियोजना हो और चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी धर्म स्थल हैं, सारा का सारा धर्म स्थल का जीर्णोद्धार हुआ हो, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर जो इनके एजेंडे में था, वो सारे एजेंडा को उन्होंने पूरा किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते। और आने वाला समय में ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ की भारत की जनता चाहती है, क्योंकि हर प्रदेश का जनता ये चाहता है कि हमें ऐसा ही मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में मिले। तो आज भारत की जनता भी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मिले। और इसीलिए हमने हवन यज्ञ किया है और भगवान से मैंने प्रार्थना किया है कि आने वाला समय में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की जनता चाहती है। और फिर इसके बाद, क्योंकि हवन करने से देवता लोग प्रसन्न होते हैं और देवता के प्रसन्न से ही ये सारा राज चलता है, आज उन्हीं के प्रसन्नता के कारण यहाँ पर हवन किए हैं। और जिस दिन भारत की जनता इनको प्रधानमंत्री के रूप में देखेगी उस दिन पूरे दुनिया के अंदर हवन और यज्ञ का एकदम संग्राम होगा और इन्हीं के तहत हिंदू राष्ट्र की भी घोषणा हो जाएगी। या आप देखिएगा 12 बजे ये कई दिन ऐसा घोषणा होगा कि 12 बजे रात में ही हिंदू राष्ट्र घोषित और सबको मानना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र किसी का ऐसा नहीं है, किसी की है, हिंदू राष्ट्र एक ऐसा होता है कि संख्या हमारी ज्यादा हमारी हिंदू राष्ट्र बनेगी और बनना तय है। आज अगर हम बागेश्वर धाम के महाराज जी की बात करते हैं तो उनके ऊपर भी परमेश्वर और प्रधानमंत्री जी का हाथ है, जिसके कारण सहयोग है जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। और हम विश्व हिंदू महासंघ भी उनके समर्थन में चल रहे हैं और समर्थन में रहेंगे। राधाकांत वर्मा, जिला प्रभारी, विश्व हिंदू महासंघ, गोरखपुर।